आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत के लिए एक स्पेशल रेसिपी सिंघाड़े के पकौड़े। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये 5 मिनट में बनके रेडी हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तृप्ति किचन कॉर्नर। मैं हूँ तृप्ति। रेसिपी देखने के साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कि मजेदार सिंघाड़े के पकौड़े कैसे बनते हैं। सिंघाड़े के पकौड़े बनाने के लिए 3 उबले आलू लिए हैं। सेंधा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरी धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। 1 कप सिंघाड़े का आटा। आप सेम इसी तरीके से कूटू के आटे की भी बना सकते हैं। आप सिंघाड़े के आटे की जगह कूटू का आटा भी यूज कर सकते हैं, या आप सिंघाड़े और कूटू को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। 1/2 कप सिंघाड़े का आटा और 1/2 कप कूटू का आटा अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले बिना पानी के मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब पानी डाल के थिक सा बैटर बनाएंगे। ये 1/2 कप पानी लिया है पहले मैंने। ये अभी भी बहुत ज्यादा थिक है, इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। मैंने 1/4 कप पानी और डाला है पहले। 1/4 कप पानी और डाल देंगे। ये अच्छा सा बैटर बन गया है। ठीक इसी तरह का बैटर बनाना है। बहुत ज्यादा थिक भी नहीं करना है और पतला तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह का बैटर होना चाहिए। ये देखिए, अब चलिए इसके पकोड़े बनाते हैं। घी गरम होने के लिए रख दिया है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। घी अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें पकोड़े तलेंगे, चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप हाथ से भी डाल सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। सिंघाड़े के पकोड़े हों या कूटू के पकोड़े, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। 5 से 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, जिससे पकोड़े अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएं। पकोड़े सिक्के रेडी हैं। अब इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में। सिंघाड़े के पकोड़े बनके रेडी हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट पकोड़े बने हैं, क्रिस्पी मजेदार। आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।